अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपने अगर चैनल अभी खोला है, बहुत कम टाइम हुआ है किसी की वीडियो देख के कि अरे इन्होंने मतलब अपनी वीडियो में कहा था कि बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं, तो मैं अभी चलो एक चैनल बना लेता हूँ। और चैनल बनाने के बाद अब कुछ पता ही नहीं चल रहा कि भाई किस टॉपिक पे बनाऊँ। जिस टॉपिक पे चैनल बना रहा हूँ उस पे मेरे से पहले ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का चैनल है, तो अब मैं क्या करूँ? कैसे मतलब ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरा चैनल जो है वो अच्छा बन जाए और मुझे टाइम मिले या मेरे को अर्निंग मिलने लगे जो मैं चाहता हूँ। तो अगर ऐसी मुश्किल में आप फंसे हुए हो और आप चाहते हो इससे निकलना, तो आप देखते रहिए इंटरनेट बिलियनियर्स। हे दोस्तों, अगेन वेलकम है, आप सबका स्वागत है इंटरनेट बिलियनियर में। मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं घर बैठे बहुत अच्छी अर्निंग। इसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना होगा कि मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर जाना है और आपको वहाँ से चैनल सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, आप सबसे पहले आप टॉपिक चूज़ कर लीजिए जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कैसे कमाएं। तो देखिए, आपको सबसे पहले एक टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा। एक टॉपिक चूज़ करिए और उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, वीडियो अपलोड करना शुरू कर दीजिए। हर किसी की शुरुआत ज़ीरो से ही होती है, कोई भी एकदम से होता नहीं है कि टॉप पे हो और एकदम से चैनल बनते ही साथ उसके सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके चैनल को बहुत अच्छी अर्निंग मिलनी शुरू हो जाएगी। और सबसे मेन बात आती है यहाँ पर, आपको फेथ क्रिएट करना पड़ता है यूट्यूब में, विश्वास। अगर आपने विश्वास क्रिएट कर लिया, लोगों का दिल जीत लिया, तो समझो आपके पास अर्निंग, सब्सक्राइबर्स, फैन फॉलोइंग, फ्रेंड्स, हर कुछ मिलेगा आपको। अगर आपने विश्वास ही नहीं क्रिएट किया, लोगों का विश्वास नहीं जीता, तो शायद आप अच्छी अर्निंग नहीं ले पाएंगे। और यूट्यूब इज़ नॉट अबाउट ऑल अर्निंग, ये अर्निंग के लिए ही अगर आप इस पर काम कर रहे हो तो कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। बट फिर भी अगर आप काम करते हैं यूट्यूब पे, तो आपको अर्निंग के साथ साथ मिलते फैन फॉलोइंग और फ्रेंड और स्पॉन्सर्स और भी बहुत सारी चीज़ें। और आपको सबसे बड़ी मिलती है एक बड़ी सोच, आपकी सोच बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम करते हैं उनकी सोच पहले कुछ और होती है, और आफ्टर 1 या 2 ईयर्स दे विल ट्रांसफॉर्म इन टू अनदर। मतलब उनकी सोच बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो बड़ी बातें करने लगते हैं, बड़े बड़े उनके बोलने का तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी अर्निंग अब अच्छी हो चुकी है और उनको पता लग गया कि सोसाइटी में कैसे पैसे कमाए जाते हैं, घर बैठे भी पैसे आते हैं। और वो अगर आप ये काम शुरू कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद आपकी भी अर्निंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी और अर्निंग के साथ थिंकिंग भी, सीरियसली। तो यहाँ पर मैंने बात किया था कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पर जाके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब अगर आपने मेरे चैनल को कर दिया है तो उसके बाद आपको करना है, सबसे पहले तो आप जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उसकी लिस्ट बना लीजिए, और इसमें आप 1 से लेकर 10 टॉपिक कम से कम लिखिए जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। लाइक आपको है मोबाइल में, उसके बाद आपको है फूड में, खाना खाने में, उसके बाद है गेम्स में। तो मैं ये सारे नहीं लिखूंगा बिकॉज ऑफ मैं इसको शॉर्ट बनाना चाहता हूँ वीडियो को जितना हो सके। तो देखिए, इस तरह से आप 10 कैटेगरी लिख लीजिए। उसके बाद अच्छे तरह से ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप किस चैनल के ऊपर, मतलब किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं या बोल सकते हैं। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप बोल सकते हैं उसको पकड़ लो और उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू करो। अब वीडियो बनाओगे तो शुरुआत करोगे तो प्रॉब्लम भी आती है, प्रॉब्लम वहीं आती है जहाँ पे कोई शुरुआत करता है। तो सबसे पहले जब आप वीडियो बनाओगे तो कैसे अपलोड करना है, टैग क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, थंबनेल क्या होते हैं। तो देखो, मैंने सारा कुछ बना रखा है वीडियोज़ के लिए ऑलरेडी आपके लिए। मैंने यहाँ पे थंबनेल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है, PPT से वीडियो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से वीडियो, स्लाइड कैसे बनती है, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कौन सा टॉपिक लें। तो आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, सपोज़ कीजिए आपने ले लिया मोबाइल, उसके बारे में आपको सर्च करना है यूट्यूब पे। सर्च कर लीजिए, आपने मोबाइल लिया था तो मोबाइल रिव्यू लिख दीजिए। ऑलराइट, तो आप
आपको कुछ नहीं करना, बस मोबाइल रिव्यू लिख दीजिए यूट्यूब पे, और उसके बाद आप पहले तो लोगों की वीडियोस देखिए कि लोग कैसे वीडियो बनाते हैं और क्या ऐसा ये बोलते हैं कि इनको व्यू मिलते हैं। तो आप सबसे पहले उनकी वीडियो देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं दूसरों को क्या सिखाएंगे। तो पहले आप उनकी वीडियो देखिए अच्छे से कम भी आपको मेरे हिसाब से 20 या 30 वीडियो देखनी है जो जिस टॉपिक पे आप काम करने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद आप ये देखिए कि उन्होंने क्या चीज़ ऐसे नहीं बोली और आप क्या ऐसी चीज़ बोल सकते हो कि ऑडियंस आपकी वीडियोज़ देखे। याद रखिएगा, वीडियो में कुछ भी ऐसा आप टर्म एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लेना एक बार काम स्टार्ट करने से पहले, और उसके बाद ही काम स्टार्ट करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत से चैनल बनता है, अच्छे व्यू आने लगते हैं और तभी चैनल उड़ जाता है, तो बहुत पेन होता है। क्योंकि मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ, भुगत चुका हूँ। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ कि टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ने के बाद आपको चैनल बनाना है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। काम बहुत ही ईजी है, आपको हर चीज़ का फॉर्मेट बना के रख लेना है अगर आप चाहते हैं कि जल्दी सक्सेस मिले। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, फॉर्मेट इन द सेंस फोटोशॉप में हर चीज़ का फॉर्मेट, थंबनेल साइज, बैनर साइज, ये साइज वो साइज, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, लाइक आप कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। और आप हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर जाके भी हमें क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आप देखिए, ये हमारा पेज है, आप यहाँ पर जाके भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जो वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है, अच्छी वीडियो है, मैं सिर्फ उसी को अपलोड करता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे आपको सारी रियल वीडियो मिलेगी, कोई भी फेक वीडियो नहीं है, ना कोई थंबनेल, ना कोई भी कमेंट या कोई पोस्ट, सब कुछ इसमें बिल्कुल जेन्युइन है। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन करना आप यहाँ से भी पुट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। ये चैनल पेज मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है जो कि घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं। और आजकल के टाइम में इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल्स लाइक जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ अर्निंग हो, लड़के हो या लड़कियाँ, हर कोई चाहती है कि मेरे पास कुछ ऐसी अर्निंग हो, कुछ ऐसा बेस हो कि थोड़ा खर्चा आराम से निकल सके। लेकिन ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर इस पर आपने अच्छी तरह से काम किया तो आपकी अर्निंग ही नहीं, बहुत कुछ आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। आपको सिर्फ करना ये है कि अपने चैनल के ऊपर वीडियो पोस्ट करनी है, और वीडियो एकदम अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब जैसे कि मैं आपको बताया था ना, वीडियो आपने सर्च करनी है, और सर्च करने के बाद ऊपर के 5 वीडियोस देखने, जो भी रिजल्ट में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, आपको ये वीडियोस देखनी है, बस इस तरह से। तो ये तो चैनल है, आपको वीडियोस देखनी है। वीडियोस देखने के बाद आपको खुद पता लगेगा कि क्या से लोग बताते हैं, और वहाँ से फिर आपको वीडियोस बनानी शुरू करनी है। जिस भी चैनल जिस भी चीज़ या जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वो करना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, उसको पहले सर्च करिए, उसको देखिए वीडियो, और उसके बाद ये देखिए कि उसके अंदर ऐसा क्या था जो आप क्या नहीं था जो आप बता सकते हैं, उस वीडियो में ऐसा क्या नहीं था जो आप बता सकते हैं। अगर आप बता सकते हैं कुछ अलग से तो फिर आप उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाइए, और वीडियो बनाने के बाद उसको पोस्ट कर दीजिए। और जो ध्यान रखने वाली बात है वो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ये सब चीज़ें थोड़ा आप ध्यान रखिए और वीडियो बनाना शुरू करिए। वीडियो बनाने के बाद व्यूज़ का इंतज़ार मत करिए कि मुझे व्यू मिलेंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए। आप सिर्फ वीडियो बनाते जाइए, कम से कम आप 6 महीने तक तो ये सोचे ही मत कि मुझे व्यू मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बस आप वीडियो बनाते रहिए, लेकिन आपको फिर भी व्यू मिलेंगे। आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, अर्निंग के ऊपर भी ध्यान मत दीजिए। 6 महीने तो आप बिल्कुल काम करिए, मतलब आपको डेली की 5 से 10 वीडियो बनानी है, और वो भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जो बिल्कुल परफेक्ट हो। आपको चाहे एडिटिंग कितनी बार करनी पड़े, उसको रेंडरिंग कीजिए बार बार, और उसको एकदम ऐसा बनाइए जो आप बोलते हैं कि हाँ इससे अच्छी तो मैं बना ही नहीं सकता। जब वैसी वीडियो बन जाए तो उसको अपलोड कीजिए। जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप उसको पूरा एक बार चला के देख लीजिए, कहीं पे गलती लगे तो उसको एडिट कर दीजिए। तो ऐसे आपको वीडियो अपलोड करनी है। वीडियो अपलोड करना बहुत इजी होता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। अपलोड का ऑप्शन आने के बाद बस यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है और आपकी वीडियो शो कर देनी है, वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाती है। वीडियो अपलोड होने के बाद आपको डालना होता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग। सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कोई वीडियो ये वीडियो है, मैं अपलोड करता हूँ जैसे, तो जैसे मैंने कि ये मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट हो गए, तो इसमें मेरा टाइम बच रहा है। अगर आप ये करना चाहते हैं
कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैसे होती है टैग्स वगैरह की, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक देख के वहाँ पे जा सकते हैं कि डायरेक्ट ये सब कैसे होता है, मतलब लिखना ना पड़े और एकदम से अपलोड कैसे होता है। तो फिर भी मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें मैं शॉर्ट में बताऊँगा ताकि आप उस वीडियो में डिटेल में देख सकें। इसमें जाना होता है वीडियो मैनेजर में, और वीडियो मैनेजर में जाके चैनल में जाके अपलोड डिफ़ॉल्ट। तो इसके आगे की जो जानकारी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, आप सिर्फ इतना कीजिए और कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद आप एक वीडियो तो आप बना ही लीजिए जिसमें कि आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नया करें। क्योंकि देखिए, पहली वीडियो तो ऐसी बनेगी, ख़राब हो सकती है, अच्छी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वीडियो का, क्योंकि शुरुआत में तो उल्टा सीधा होता ही है, नो डाउट, मेरे से भी हुआ था। लेकिन वो वीडियो बनने के बाद आपको एक्सपीरियंस आएगा और फिर धीरे 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 वो एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा और आपकी वीडियो फिर ऐसी बनने लगेगी कि आप उसे खुद देखकर बोलेंगे कि हाँ, मेरे इंटरेस्ट बन रहे हैं और मुझे खुद अच्छी लग रही है वीडियो। और पब्लिक को तो ऑब्वियसली लगेगी, क्योंकि जब तक खुद आपको वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, पब्लिक को नहीं लगने वाली। तो ऐसे वीडियो बनाएं जो बहुत ही अच्छी हो। और कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं हमें। और प्लीज़ इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक डिसलाइक जैसा भी आपको लगे आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी ये बताना भी हमें ज़रूर, ये वीडियो कैसी लगी ये बताना हमें मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।